सिलेक्शन का प्रोसेस, सीवीज, इंटरव्यूज, फर्म में आर्टिकल्स करें, इंडस्ट्री में आर्टिकल्स करें, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कैफ का रिजल्ट आते ही कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के जहन में आना शुरू हो जाता है। फर्म्स के इंडक्शन का प्रोसेस आर्टिकल 6 से 3.5 साल, इस तरीके से किसी फर्म में एंटर हुआ जाए, इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जाए या पूरे प्रोसेस को कैसे कंडक्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस आपके लिए इन सारे सवालों के जवाब लेकर आया है। आए इसे शुरू करें। Assalamualaikum everyone, this is Mohammed Muzaffar Munaf from the platform IQ School of Finance और आज डिस्कस करेंगे इस पूरे induction, interview, CV building के entire process को, ताकि students एक सही guidance हासिल कर सकें और overall perspective में अपनी articles के लिए अच्छी जगह secure कर सकें। हमारी जो बात होगी वो 3-4 parts में segregate की जाएगी। सबसे पहले हम overall जो induction का process है या जो यहाँ पर main issues हैं उसके बारे में बात करेंगे। On the second level, हम test preparation या interview preparation, CV preparation इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले induction के पूरे process को समझते हैं कि किस तरह से ये conduct किया जाता है। देखिए आपकी articleship का जो overall process है, that is a contract or say an agreement between you and in the organization in which you will be employed, या let's say for your articleship आप वहाँ पर होंगे और साथ साथ आके आप इसके अंदर जो है शामिल होंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक tripartite agreement है, 3 parties उसके अंदर शामिल है, आपकी अपनी पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशन है और आईटी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपकी आर्टिकल्स स्टार्ट होंगे। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल ना हो जाए या उसके ऊपर सिग्नेचर्स ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, रजिस्टर्ड ना हो जाए, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन का अमल स्टार्ट नहीं होता। और अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगी तो आप अपनी सीए फाइनल्स के पेपर्स को नहीं दे सकते। आपको जो 1 साल 1.5 साल वाला पीरियड है वो शुरू ही तब होता है जब आपकी आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी। मोर इम्पोर्टेंटली ये आर्टिकलशिप का 3.5 साल पीरियड आपके उस एक्सपीरियंस की फाउंडेशन को रखता है जो आगे जाके आपने अपनी सीए की जर्नी में कंटिन्यू की। आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी में आगे आप बहुत सारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे, आपको मौका मिलेगा मे बी इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन रखी जाएगी, जो उसकी बुनियाद रखी जाएगी, वो इस 4 साल आर्टिकल्स के पीरियड में रखी जाएगी। आप ये चीज नोट करेंगे, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ स्टूडेंट्स एक ही चीज के बारे में शिकायत है, यार यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ा और जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो वहां पे बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। यूनिवर्सिटी की किताबों में जो लिखा है वो 60 साल 50 साल से रिवाइज नहीं हुआ और मार्केट में बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हो रही हैं। लेकिन हमारा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक वाहि प्रोफेशन है ऐसा, या चंद एक प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है जिसमें जैसा पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसा ही मार्केट में अप्लाई होता है, बिल्कुल वैसे ही इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। उसका सबसे बड़ा कोर रीजन ये है कि हम 3.5 साल 4 साल अपनी आर्टिकल्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुजारते हैं, न सिर्फ गुजारते हैं बल्कि प्रैक्टिकली वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में जाते हैं, उनका ऑडिट करते हैं, वहां पर असाइनमेंट्स करते हैं और मुख्तलिफ तरीके की इंडस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। गोया कि पाकिस्तान का बिजनेस लैंडस्केप हमें समझ आ जाता है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने जिससे न सिर्फ हमारे लिए ऑप्शंस खुलें बल्कि एट द सेम टाइम हमारी ट्रेनिंग हो, हमारी डेवलपमेंट हो और हमारी स्किल बिल्डिंग अच्छे तरीके से हो सके। अभी आर्टिकल्स के पूरे प्रोसेस में आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट करना, अपनी सीवी ड्रॉप करना, उनका टेस्ट क्लियर करना, इंटरव्यू क्लियर करना और ये वाली सारी चीजें आती हैं। बट सबसे पहला और प्राइमरी क्वेश्चन अराइज होता है इस बात का कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कौन सी चुननी चाहिए या किस ऑर्गेनाइजेशन को आपको ऐसी जगह दिखना चाहिए जहां आप 3.5 साल का पीरियड गुजारने लगे। ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरली दो बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती है, एक ऑडिट फर्म्स की कैटेगरी जहां पर आपको फर्म्स सर्विसेज देती हुई नजर आएंगी टूवर्ड्स अदर कंपनीज, और दूसरा ट्रेडिंग आउटसाइड प्रैक्टिस है, यानी कि वो कंपनीज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, दे आर नॉट एन ऑडिट फर्म लेकिन वो सीए ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं और वहां पे आईकैप के ट्रेनीज को आर्टिकलशिप करने का मौका मिलता है। सबसे पहले फर्म्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद इवेंचुअली हम ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। आईकैप का ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो कैफ का रिजल्ट आता है उसमें काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास होते हैं। ऑन एवरेज अगर आप पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स का रिजल्ट देखें तो 1100 स्टूडेंट्स का पास होना, 800-900 स्टूडेंट्स का पास होना आपको नजर आ जाए, लेकिन कंपेरेटिवली इतनी फर्म्स के पास प्लेसेस नहीं है, खासतौर पर बिक्री की अगर हम बात करें, इसमें एयर फर्टिसन कंपनी भी से पाकिस्तान आ जाता है, किमी भी तस्करा किया जाता है, इसका वही फोटोज आ जाता है, यहाँ पर बिक्री के अंदर आपको इतनी बड़ी प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगी। अगेन जीटी में, वीडियो में और इस तरह की मुख्तलिफ जो फर्म्स आती चली जाती है फिर सीक्वेंस में, वहां पे भी इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक एक वक्त में 200-250 बच्चे इंडक्ट। तो कैफ क्वालिफाइड होने वाले स्टूडेंट्स सारे
लेकिन एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में जगह या प्लेसमेंट्स का जो नंबर है वो इतना ज्यादा नहीं है, एक चीज हमें ये फोकस में रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स की अक्सर ये प्रेफरेंस होती है कि नहीं जी हमें जाना है तो हमें बिक्री में ही जाना है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो FTS का क्राइटेरिया है वो यूज होता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये रिकमेंडेशन है कि उन्हें आज इस एनवायरमेंट में जहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर बिक्री के अंदर एम्प्लॉय होने का पॉसिबल नहीं है, हाँ उन्हें मौका दूसरी फर्म्स को भी देना पड़ेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखना होगा हमें चूज करने से पहले, अगर मैं पर्टिकुलरली फर्म ऑडिट फर्म की बात देखिए, अगर आप ऑडिट फर्म को ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ पे दो तीन बड़ी चीज देखी जा सकती है। एक चीज वहाँ पे ये देखी जा सकती है कि उनका क्लाइंटेल या जिन कंपनीज के साथ उनका ताल्लुक है वो कैसा है। बिक्री अपनी जगह पर, लेकिन BDO और GT जैसी फर्म्स भी आज पाकिस्तान में इमर्जिंग फर्म्स हैं और दुनिया भर में लिस्टेड क्लाइंट्स का नंबर या इनकर लेट्स से फाइनेंशियल स्टैट्स वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो इन फर्म्स से भी निकले हैं और इनके अलावा इस तरह की दूसरी फर्म्स भी। एक बात तो बिल्कुल तय है कि आपने हर जगह इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करना, जहां भी आपको मौका मिलता है वहां आपने अप्लाई करना। आपने उस फर्म का क्लाइंटेल स्टडी किया, वहां के एनवायरमेंट के बारे में समझा, वहां के बारे में पता करने की कोशिश की। अक्सर स्टूडेंट्स अप्लाई करने से पहले सोच लेते हैं कि अगर यहाँ हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल अच्छी सोच है, लेकिन उनको अप्लाई करके एटलीस्ट एक बार देखना चाहिए तो वहां का एनवायरमेंट कैसा है, जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है वो कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कैसे नजर आ रहे हैं, वहां का एनवायरमेंट कैसा नजर आ रहा है। अगर आपको एनवायरमेंट ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने लोगों से पता किया, अपने सीनियर से पता किया ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए, यहाँ मेरे लिए कोई ना कोई डेट्रीमेंट क्रिएट होगा, कोई ना कोई नुकसान वाली बात क्रिएट होगी, आप बेशक ना जाए। जो स्टूडेंट्स ये सोच के परेशान होते हैं कि हमारे 3 महीने जाया हो जाएंगे, 4 महीने जाया हो जाएंगे, 6 महीने जाया हो जाएंगे, आप ये अंदाजा लगाएंगे आपकी आपकी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, ओवरऑल लाइफ की इनकम स्टेटमेंट में 6 महीने इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखते एज कम्पेयर टू 4 साल 3.5 साल एक किसी जगह गुजारना या एक ऐसे डिपार्टमेंट में गुजारना जो आप पसंद नहीं करती है, जहाँ का एनवायरमेंट पसंद है, जहाँ पे थोड़ी बहुत आपके साथ अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव किया जाता है और आप उसको पसंद नहीं। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 2-3 बातें देखनी है। अगर आप एक ऑडिट फर्म की बात करें, यानी कि आपकी ऑडिट फर्म का एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ का क्लाइंट व्यू कैसा है, लोग किस तरह के हैं, क्या उन ट्रेनीज का फीडबैक है जो वहाँ का ऑलरेडी काम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप लोगों से पूछ सकते हैं, फर्म्स का व्यू ले सकते हैं अगर आप कहीं पर अप्लाई करने जा रहे हैं, या एट द सेम टाइम आपकी फैकल्टी से अप्रोच कर सकते हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वेल वर्स्ड हैं तो आपको जरूर मिलेगा। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री के आर्टिकल्स। अगर आप इंडस्ट्री की आर्टिकल्स के बारे में बात करें, या इंडस्ट्री में मैंने आर्टिकल्स परफॉर्म करना है, तो इंडस्ट्री का काम फर्म से बहुत मुख्तलिफ है। फर्म में ज्यादा फोकस ऑडिट्स और मिलते जुलते एडवाइजरी असाइनमेंट्स पर होता है, जहां पर ऑडिटिंग आ जाती है, जहां पे कंपनीज में कंसल्टिंग का जो काम आ जाता है, टैक्स की कंसल्टेंसी हो गई, जैसे ट्रांजैक्शन एडवाइजरी हो गई, मतलब ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग इस तरह की एडवाइजरी हो गई, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं, फर्म्स में तकरीबन कंसल्टिंग बिजनेस आपको यही पर नजर आए। ऑडिट, एडवाइजरी, टैक्सेशन, ये 2-3 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप यूजुअली फर्म के अंदर आर्टिकल्स करें। इंडस्ट्री में काम थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडस्ट्री या जो कंपनीज बिजनेस में इन्वॉल्व है वो किसी को कंसल्टेंसी नहीं दे रही, वो आपको 3.5 साल 4 साल के पीरियड में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज पे टेस्ट नहीं देंगे। एक ही बिजनेस या एक ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आपने 3.5-4 साल गुजारने, तो अब ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे भी वर्सेटाइल हो, हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे भी एक लॉन्ग होराइजन पर हो या एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के ऊपर हो, ब्रॉड अम्ब्रेला के ऊपर हो? उसे तब हो सकता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी जहां पर आप आर्टिकल्स के बारे में सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकली अपनी पॉलिसी आपको बताए कि वो किस तरीके से आपको 3.5 साल की पीरियड में रोटेट करेगा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, ताकि आपको सप्लाई चेन फाइनेंस का भी एक्सपीरियंस हो, आपको सेल्स फाइनेंस का भी एक्सपीरियंस हो, आपको ट्रेजरी का भी एक्सपीरियंस हो, आपको जैसे टैक्सेशन का भी एक्सपीरियंस हो, आपको इस तरह की रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस हो, मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर आ जाती है। स्टूडेंट्स ये जानते नहीं है और एक डेस्पिरेशन होती है कि यार अब हमें फॉरेन से आर्टिकल्स चाहिए, फॉरेन से आर्टिकल्स चाहिए, 2 महीने निकल रहे हैं, 3 महीने निकल रहे हैं, टाइम जाया हो रहा है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लैंड अप कर जाते हैं जहां पर उन्हें काम करना नहीं, फिर वो 4-5 महीने रुकते हैं किसी और जगह पे हो जाता है, वहां चले जाते हैं, उनके रिक्रूटर का भी टाइम जाया होता है और उनका अपना भी बच जाएगा। तो आप थोड़ा सा इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले ये इवैल्यूएट कर लें कि यार 6-8 महीने बाद क्या आप दूसरे डिपार्टमेंट में रोटेट करेंगे या 3.5 साल एक ही डिपार्टमेंट में बिठा देंगे। मिसाल है आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने 3.5 साल आपको टैक्सेशन के अंदर बिठा दिया, अब आपको फाइनेंस का आइडिया नहीं, आपको सेल्स का आइडिया नहीं, प्रोडक्शन का आइडिया नहीं, इन्वेंटरी का आइडिया नहीं, बहुत सारी चीजें रह गई, आपने 3.5 साल सिर्फ टैक्स कर रहे हैं। अब जब आप आर्टिकल से निकलने के बाद कहीं पर अप्लाई करेंगे तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो देखते हैं आपकी CV पे, लेकिन नीचे ये भी देखते हैं कि आपने अपने आर्टिकल्स के पीरियड में क्या किया है, व्हाट हैव यू डन अबाउट,
वो कौन सी एग्जीक्यूशन है, वो कौन से टास्क है जिनको आपने स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर पहुंचा दिया। हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हम आर्टिकल्स इंडस्ट्री के ज्वाइन तो कर रहे हैं। बाज स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर वो फाइनेंशियल परस्पेक्टिव से इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन अच्छी मिल जाती है, फर्म में स्टाइपेंड कम मिलती है, ज्यादा मिलती है। देखिए अमाउंट अर्न करने के लिए, रेवोल्यूशन के लिए आपकी असल जर्नी तभी शुरू होती है जब आप अपने पेपर्स और आर्टिकल्स कहते हैं। अभी अगर आप थोड़े से चंद हजार रुपए के लिए गलत डिसीजन लेने जाएंगे तो हो सकता है आगे जाके आपके एक्सपीरियंस में नहीं मिल जाए। एक स्टूडेंट है वो कहता है सर मैंने रहना ही पाकिस्तान, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं की इंडस्ट्री यहीं के बिजनेस में काम करना है और मैं प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहता आगे, ऑडिटिंग को या कंप्लायंस को या टैक्सेशन को, मैंने रहना ही इंडस्ट्री और बिजनेस की तरफ है। मेरे वालिद साहब जो है वो किसी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उन्होंने हमेशा कंपनी में वक्त गुजारा है, मैं भी गुजारना चाहता हूँ। डिफरेंट केस, फिर आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ कर उसका पार्ट बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप अपने लिए ऑप्शन खुले रखना चाहते हैं, मैं आगे जाके अगर अपनी फर्म खोलना चाहूँ तो भी मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैं फर्म की ग्लोबल मोबिलिटी के प्रोग्राम से या ग्लोबल एफिलिएशन के प्रोग्राम से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहूँ वो भी मेरे पास ऑप्शन हो। अगर मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में लैंड करना चाहूँ वो भी मेरे पास ऑप्शन हो। थोड़ा बहुत मुझे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता हो, थोड़ा बहुत मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो, थोड़ा मैंने टैक्स में भी टाइम लगाया हो, थोड़ा मुझे एडवाइजरी का भी टेस्ट हो, तो फिर एक ऑडिट फर्म आपके लिए बेहतर है। लेकिन ऑडिट फर्म में हमेशा आप एक आपका जो पर्टिकुलर नाम आपने सोचा हुआ आपको मिल जाए जरूरी नहीं। तो आपने दो तीन चीजें देखनी है फर्म्स के अंदर और फिर अपनी एप्लीकेशन और अपने अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में एक जनरल मशवरा मैं सबको ये दूंगा कि आप अप्लाई मैक्सिमम जगह हो। अगर आपको आइडिया हो कि इंटरव्यू प्रोसेस किस तरह होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, लोगों का बात करने का ढंग कैसा है, कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो इतनी ज्यादा मार्केट में बिक्री की तरह नोन नहीं है, उनके पार्टनर्स आर प्री प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं। वो फोल्ड का परेशान होकर हमें बता रहे होते हैं कि यार ट्रेनिंग लाने की कोशिश की, वो तीन महीने आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। इस वजह से एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि जो बाद की फर्म्स है वहां पर रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी लेट होती है, क्योंकि वो चेक कर रहे होते हैं कि यार आप उस टाइम पीरियड तक घूमने वाले हैं। देखिए अच्छे बने लोग हर जगह होते हैं। आपने अपने इंटरव्यू और एप्लीकेशन प्रोसेस में चीज को असेस करना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं वो कैसी है, ऐसे लोगों को तलाश करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, ऐसे लोगों को तलाश करना है जहाँ जिन्होंने वहां पर काम किया हुआ है, उनसे फीडबैक लेना, समझना है और फिर आपने डिसाइड करना है। ये सबसे पहला और प्राइमरी जो है वो डिस्कशन या प्राइमरी थॉट प्रोसेस है जो आपको अपने जहन में रखना है बिफोर अप्लाइंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन कि आप किस मकसद से आर्टिकल्स कर रहे हैं, आपका आगे लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अगर आप अपने लिए ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं कि भाई मुझे अभी नहीं पता, शायद मैं अपनी फर्म खोल के एक प्रैक्टिसिंग पार्टनर बन जाऊं, या मैं पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहूँ, या मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहूँ, फिर ऑडिट फर्म में अपने लिए ऑप्शंस रिलेटिवली खुले रखने की कोशिश। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने इंडस्ट्री में कंटिन्यू रखना है, मैं अपने लिए बाकी दरवाजे नहीं खुले रखना चाहता, तो आप बेशक किसी इंडस्ट्री और ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस का पार्ट बन जाए, लेकिन वहां पर ये मेक श्योर जरूर करें कि उनका रोटेशन का प्रोग्राम इफेक्टिव हो। जिन्होंने पहले आर्टिकल्स किए उन्होंने बाकायदा उस रोटेशन प्रोग्राम को वहां पर देखा कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रोटेट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का फ्लेवर देते हैं, रिपोर्टिंग के साथ साथ पार्टनरिंग का और वैल्यू एडिशन का भी एंगल होता है। सर एक चीज नहीं, साढ़े तीन साल ये हो गया आपका एप्लीकेशन और फर्म की सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो सबसे पहली बात। इसके बाद सेकंड लेवल पर आपकी बात आ जाती है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हुआ। लेकिन सबसे पहले जो आपकी प्रेजेंटेशन बनती है वो आपका अपना फॉर्म जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं और वो सीवी है जिसको आप अप्रूव। अब आ जाते हैं आपकी सीवी की डिस्कशन। देखिए लोगों को बड़ी आदत है कि सीवी के अंदर बहुत सारे कलर्स होने चाहिए, वो समझते हैं कि सीवी बनाना एक दीवार पर पेंट करने जैसा है जिसमें जितने ज्यादा रंग होंगे उतना ज्यादा उन्हें इनाम होगा, जबकि ऐसा नहीं। सीवी एक प्रॉपर और डिसेंट फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप मैकिन्सी टाइप की फर्म्स के भी लोगों की सीवी उठा के देखें, ब्लैक एंड व्हाइट आपको नजर आएंगी, ब्लैक से टेक्स्ट होगा, व्हाइट बैकग्राउंड होगा, बिल्कुल डिसेंट तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, ना उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ना उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, ना उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट वगैरह आउट होगी और इस तरह की कोई और चीज। तो आपने इस बात को 100% मेक श्योर करना है कि आप सीवी बनाने से पहले चंद एक अच्छी एग्जाम्पल्स देख लें। बहुत ज्यादा कलर्स ऐड करना डिफरेंट तरीके की, तो फोटोग्राफ लोगों को अक्सर सीवी में लगाने की आदत है। अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफ है तो आप सीवी में लगाएं। अमूमन व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो पिक्चर्स होती है वो आरामद रहती है सीवी पर लगाएं, लेकिन उसमें आपने प्रॉपर शूटिंग की हुई हो। अगर आप जैसे लड़के अगर सीवी बना रहे हैं तो प्रॉपर सूट पहना हो, खवातीन बनानी है तो प्रॉपर उसके अंदर जो अपीयरेंस हो, और फिर उसके बाद वो अच्छी लग रही हो, डिसेंट लग रही हो पिक्चर, तो आप सीवी में लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं, कोई कंपल्शन नहीं कि आपने सीवी लगाना, सिर्फ फोटो लगानी ही लगानी। आपने सबसे पहले इस चीज को मेक श्योर करना है कि इफ यू आर पुटिंग ऑन योर फोटोग्राफ ओवर देयर तो वो बहुत प्रोफेशनल हो, उसका बैकग्राउंड डिसेंट हो। किसी शादी में खड़े होंगे आपने वो पिक्चर ना ली हो कि उसके बैकग्राउंड में मेहमान नजर आ रहे हैं और फ्रंट में आप नजर आ रहे हैं,
ऐसी कोई पिक्चर आपने स्क्रीन के ऊपर दी है, टॉप पर आपका नाम आ रहा है, वेरी रिसेंट एंड क्लियर, थोड़ा सा उसको फोन साइज बढ़ा रखें, टॉप पर आपका नाम आ रहा है, फिर उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल्स आ रही है। बेसिक डिटेल्स में आपने अपना शहर बता दिया जहाँ पे आप रह रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा छोटा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में आपने एड्रेस बताया, आपने अपनी ईमेल बताई, आपने अपना फोन नंबर बताया। ये दो तीन इस तरह की मेजर मेजर चीजें जो आपने ऊपर बता, फिर आपका करियर ऑब्जेक्टिव या इस तरह का कोई और ऑब्जेक्टिव आ जाता है जिसमें आपने ये मेंशन करना है दैट यू आर सीकिंग एन आर्टिकलशिप प्रोग्राम। अक्सर लोग ऑब्जेक्टिव क्लॉज या इस तरह की कोई चीज किसी और सीवी से छापते हैं, वो जनरल फाइनेंस की जॉब वाला ऑब्जेक्टिव, जनरल फाइनेंस की जॉब वाली कोई चीज होगी। और खुदा का वास्ता आपकी ईमेल, एक बात करते करते एकदम से याद आया, आपकी जो ईमेल्स हैं वो प्रोफेशनल ईमेल्स होनी चाहिए। कोई क्यूट प्रिंसेस ना हो, कोई स्मार्ट लियो ना हो, कोई उसके अंदर इस तरह का नाम ना हो, मतलब बोले यार ये तो कोई 25 साल 26 साल पुरानी ईमेल जो बनाई गई होगी। ईमेल इस तरह की होनी चाहिए जो प्रोफेशनल साउंड है, आपका नाम उसके अंदर नजर आ रहा है, दैट्स वेरी बहुत परफेक्ट बात है। अगर आपकी ईमेल में आपका नाम है, आपने नेम और बेसिक डिटेल्स बताई, फिर आपका ऑब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव की क्लॉज के अंदर यू हैव टू टेल दैट यू आर सीकिंग एन आर्टिकलशिप। जनरल बात उसके अंदर ना लिखें कि मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है जहां पर मुझे टीम बिल्डिंग मिले और मुझे अपने आप को ग्रो करने का मौका मिले, इस तरह की बात। यू आर सीकिंग एन आर्टिकलशिप प्रोग्राम जहां पर न सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन की आपकी उसी तरीके से आपने अपना ऑब्जेक्टिव वहां पर डिक्लेयर कर लिया। अब उसके बाद बारी आती है आपकी एजुकेशन के बारे में, क्योंकि आपकी सीवी वर्क एक्सपीरियंस ओरिएंटेड सीवी नहीं है। पहले जिन्होंने काम किया हुआ होता है, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो अपना वर्क एक्सपीरियंस बता, आपने ये बताना है एट द सेम टाइम कि आपका लेट्स से एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले आप उसमें अपने क्लास के बारे में बता सकते हैं, फिर उस तरीके से ऑर्डर में आप अपनी हाई स्कूल के बारे में, फिर उसके बाद अपनी स्कूलिंग के बारे में, और फिर उसके बाद आप आ जाए कि आपने कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज या कौन सी ऐसी क्वालिटीज में, अगर आपको कोई मतलब कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रोफिशिएंसी है वो बता दें, आपने किसी स्पीच में डिक्लेमेशन में कहीं पर पार्ट लिया है वो बता दें, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट आपने मैनेज किया है, स्कूल कॉलेज में कोई ऐसी चीज है जो आप करते रहे हैं वो आप उसके अंदर बता सकते हैं, कोई आउटस्टैंडिंग ऑनर आपको कहीं पर मिला हो या कहीं पर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो वो भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये घबराते हैं कि यार हमारे पास तो सर्टिफिकेट्स नहीं रहे, हमने वो काम किया था लेकिन वो सर्टिफिकेट्स हो गए, घर शिफ्ट हो रहा था सर, घर की शिफ्टिंग में इधर उधर हो गए, फलाना हो गया, ये हो गया, इतना परेशान होने की बात नहीं। आपने अगर एक चीज की है और आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, बात करते हुए पता चलेगा खुद के आपने की है या नहीं की है, आप उसको जरूर मेंशन। और अगर इस तरह की कोई बात कभी कोई पूछ भी लेता है, लेकिन इजीली कह कि मैंने किया था इस डे को इस महीने में, ये फलाना साल था, ये स्कूल था, यहाँ पर इस तरह से इवेंट कंडक्ट हुआ था, बट आई समहाउ लॉस्ट दैट डॉक्यूमेंट ड्यू टू दिस इशू। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप मिस रिपोर्ट ना करें, मिस रिपोर्टिंग का मैं नहीं करता, लेकिन अगर आपने कोई जनरली चीज की है तो आप आराम बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्वालिटीज, अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चीज आपने की है उसमें आप प्रोफिशिएंट हैं, और कोई इस तरह की कोई क्वालिटी है, यू आर अ वेरी गुड टीम मेंबर, या आपने कोई पास्ट में इस तरह की कोई टीम वगैरह मैनेज की है, तो आप वहां पर जरूर बता सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ाते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, वो अगर सीवी में इस चीज को लिखेंगे तो उससे सॉर्ट ऑफ एक इंप्रेशन ये पड़ता है कि शायद आप आर्टिकल्स में भी यही काम रिपीट करें, और आपका काम पे फोकस नहीं होगा, आपका इन चीजों पर फोकस होगा। मेरा ये मानना है कि इसको हॉबीज या एक्स्ट्रा करिकुलर बताएं जरूर, इट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बताएं जरूर, लेकिन हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व करें, ना कि वर्क एक्सपीरियंस को। ऐसा ना लगे कि आपका फुल टाइम ब्रेड एंड बटर और आप उसके ऊपर जो है 100% डिवोशन के साथ काम, और फिर उसके बाद आपके एक दो इमोशन नीचे आ सकते हैं कि आप अवेलेबिलिटी इमीडिएट है, रेफरेंसेस रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड किए जाएंगे। रेफरेंसेस को लाजमी तौर पर आपने सीवी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है, जब आपके पास फॉर्म में रिक्वायरमेंट आती है वहां पर आप रेफरेंसेस दे दें। डिसेंट फॉन्ट स्टाइल, जॉर्जिया है, गैलेपी है, इस तरह की किसी फॉन्ट स्टाइल में आप अपनी सीवी बना लें। बैकग्राउंड वाइट रखें, ब्लैक से आपने अपनी सीवी बनानी है, अगर आप बॉक्सेस वगैरह बना रहे हैं और डिसेंट रखना चाहिए, अलाइनमेंट आउट ना हो कि कहीं पर आपका टेक्स्ट सेंटर लाइन हुआ है, कहीं लेफ्ट हुआ है, कहीं पर फॉन्ट स्टाइल अलग यूज हुआ है, कहीं पर अलग हुआ है, कहीं टेक्स्ट बड़ा है, कहीं पर छोटा है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा डिसेंसी के साथ आपकी सीवी नजर आनी चाहिए। जितनी प्रोफेशनल आपकी सीवी होगी उतना इट इज मोर लाइकली दैट द पर्सन इज गोइंग टू कॉल यू। यार इस बंदे ने अगर सीवी में इतना वक्त लगाया है कि मेरे काम पे भी वक्त लगा, अगर आपकी सीवी में स्पेलिंग मिस्टेक तो ये कितना सीरियस है करियर के बारे में, कुछ भी सीरियस नहीं। तो वो वाली चीज आपने अपनी सीवी के ऊपर डिवोट करनी है, और थोड़ा सा वक्त लगा के इंटरनेट पे एग्जाम्पल्स निकाल के फिर सीवी बनाना। और वेबसाइट्स, कितनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, कितने आपके सीनियर्स हैं जो फर्म्स तक पहुंच चुके हैं, उनकी सीवीज वगैरह ले लें, और थोड़ा सा अपनी सीवी को डेडिकेशन के साथ, बेशक आपका एक दिन पूरा लग जाए, दो दिन पूरे लग जाए, आपने अच्छी सी सीवी तैयार करें।
By this time, as I'm speaking today, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी सीवी बना भी ली होगी तो रिविजिट कर लें. अगर कोई इस तरह की जो है वो कोई डेफिशिएंसी है, कोई समस्या है, तो वो उसको मजीद जो है वो इम्प्रूव कर सकते. ये सीवी आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रिपरेशन की कॉल, टेस्ट की कॉल, इंडक्शन टेस्ट की कॉल या फिर इंटरव्यू तक पहुंचाएगा. अगर किसी फर्म में पहले टेस्ट का प्रोसेस है तो टेस्ट तक पहुंचाएगा और अगर इंटरव्यू का प्रोसेस है तो इंटरव्यू तक पहुंचाएगा. सीवी का इसके आगे कोई काम नहीं है. वंस आप टेस्ट के जुमरे में चले जाते हैं तो फिर वहां पर टेस्ट दो तरीके से, एक आपके टेक्निकल एरियाज उसमें टेस्ट किए जा रहे हैं, दूसरा एट द सेम टाइम आपके मेंटल एप्टीट्यूड वाली चीजें उसके अंदर टेस्ट किए जा रहे हैं. मेंटल एप्टीट्यूड में इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इस तरह की चीजें आ रही है. इसमें एसएटी की किताबें, अगर किसी ने एसएटी 1 कभी यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन में किया वो काफी हेल्पफुल होता है. इस तरह की वेबसाइट्स है, लाइक mocha.com है, test.net है, तो इस तरह की और वेबसाइट्स है. अगर मैं कहीं पर नाम बोल रहा हूँ तो प्लीज गूगल कर लीजिएगा. एज फार एज आई रिमेम्बर यही नाम है. तो आप इस तरह की वेबसाइट्स पर सैंपल टेस्ट दे सकते हैं, सैंपल टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड वाले हैं. जो टेक्निकल एरियाज हैं उसके अंदर मोस्ट लाइकली आपके पास ऑडिटिंग का एरिया होगा, आपके पास रिपोर्टिंग का एरिया होगा, आपके पास टैक्स का एरिया हो सकता है, लॉ का एरिया. तो उनमें टेक्निकल एरियाज में वो एरियाज देखिए ना, से क्विक क्वेश्चंस बन सकते, जहां से एमसीक्यूज बन सकते. लंबा चौड़ा सवाल तो आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे, वो तो आईकैप का काम है, उसने कर लिया आप पास हो, लेकिन वो क्विक एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं. ये भी कोई क्राइटेरिया है, कोई डेफिनेशन है, कोई एक लाइन की ऐसी बात है जिससे एमसीक्यू निकल सकते हैं. आपने ज्यादा मैटर को कम वक्त में स्किम थ्रू कर और टेक्निकल एरियाज को प्रिपेयर. अगर आप मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें तो वहां पे इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न सीकिंग, ऐसे राइटिंग, इस तरह की चीजें बाहर आ सकती है जिसको प्रैक्टिस किया जा सकता है. वेबसाइट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स में कंपटीशन में बड़ा फोकस करना है आप. पाकिस्तान में जो इसको केसी रेट की हालत हुई नहीं है, परिंदे के मान डॉलर उड़ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए. इसके पीछे जो रीजन है वो पता होना चाहिए. रिसेंट जो हमारी जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हुआ, जो मोशन हुआ, उसमें क्या क्या डिटेल्स थी वो आपको पता होना चाहिए. व्हाई आर रीसेंट गवर्नमेंट लॉस्ट देयर सीट्स, ये आपको पता होना चाहिए. अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है एक्सचेंज रेट्स के हवाले से, इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर है या जो टेस्ट प्रिपेयरर है वो ये चीजें पढ़ रहा है डेली बेसिस पे. कोई सीनियर पोजीशन पे डेली इस तरह की चीजें उसकी नजरों के सामने सर्विस गुजरती है. हो सकता है कि कोई ऐसे में या एमसीक्यूज में इस तरह की कोई चीज को बिल्ड करे, तो आपने टेस्ट प्रिपरेशन को उसी नोशन पे प्रिपेयर किया. एंड देन कमिंग फॉरवर्ड, द लास्ट एरिया इज द इंटरव्यू वाला पार्ट, जहां पे आप किसी फर्म में किसी पार्टनर के सामने या इंडस्ट्री में किसी सी लेवल ऑफिसर के सामने या किसी मैनेजर के सामने इंटरव्यू के लिए अपीयर. कोविड के टाइम पे बैक इन 2020-2021 बहुत ज्यादा ऑनलाइन इंटरव्यूज का जो मामला था. अब बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन भी सुनाई देता है, फिजिकल इंटरव्यूज का भी पता. ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं या फिजिकल इंटरव्यूज हैं, ड्रेसिंग आपने दोनों में प्रॉपर कर, बिल्कुल ऑनलाइन है तो आपके पास लैपटॉप की, इंटरनेट की, ये सारी चीजों की अरेंजमेंट बहुत प्रॉपरली हो. और अगर आप फिजिकल जा रहे हैं तो आप वक्त से पहले वहां पर पहुंचे, एड्रेस वगैरह रात में ही निकाल लें. ऐसा ना हो कि घर से निकलने के बाद आपको याद आए कि आप लोकेशन नहीं होता, फिर लोकेशन नहीं दूर से आप रास्ते में सर्च कर रहे हैं तो आप लेट होंगे, पैनिक करेंगे. आपको पैनिक नहीं, बिल्कुल आपने स्मूथ रखना है उस दिन को अपने लिए. डिसेंट ड्रेसिंग करें, डिसेंट कलर्स के साथ, बहुत ज्यादा ऐसे कलर्स ना हो कि आप दूर से चमकते हुए नजर, चमकता सूरज नहीं बनना है, बिल्कुल डिसेंसी रखनी, डिसेंट तरीके का जो है वो आपने ड्रेसअप करना है. व्हाइट शर्ट मेल स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ही बहुत अच्छे रेकमेंड है. अगर खवातीन कोई पढ़ता है, नाब वगैरह करती है, तो वो भी स्मृति भी दे सकती है, उसमें कोई ऐसी बात वाली बात नहीं, कोई समस्या है. इंटरव्यूज के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो हमेशा से आपका कॉन्फिडेंस मैटर. आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात प्रेजेंट कर सकते हैं, कितना अच्छी कम्युनिकेशन स्टाइल है, ये चीजें. लेकिन एक बात याद रखें, इंटरव्यू का बेसिक जो एक तरीका है कार्य वो बातचीत का है, और बातचीत हम कई सालों से करते आ रहे हैं. पहली दफा हम कोई बात नहीं कर रहे किसी के सामने. हमने अपना नाम आज तक जिंदगी में बहुत लोगों को बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने बहुत लोगों को बताया. हमने अक्सर शादी ब्याह में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, नए लोगों से मुलाकात की तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है. तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर आपने परेशान हो, आपको आदत है इस चीज की, इस बात पे यकीन कर. अगर आप कॉन्शियसली ये करने जाएंगे तो फिर कोई ना कोई गलती आ सकती है. आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं मैं अपना नाम कैसे बताऊंगा, अपना थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए इस चीज, घबराना नहीं है इस चीज को लेकर, क्योंकि आप ये काम अरसे से करते आ रहे हैं. इट्स बीन लॉन्ग दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ. उस चीज को मैटर कर, उस चीज को जो है मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को फोकस में रखते हुए आपने बड़ा स्मूथ काम करना है. फिजिकल इंटरव्यू गुड हैंडशेक, अगर आपको लग रहा है कि वहां पर इतना डिस्टेंस है कि आप हैंडशेक कर सकते हैं तो आपने हैंडशेक करना है. आप जो है वो जो वो बोले बैठने के लिए आपने वहां बैठ जाना है.
अमूमन इंटरव्यूज में पहला सवाल ये होता है दैट यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में, तो अपने बारे में वो वाली चीजें बताएं जिससे आप एक लीडर और एक इम्पैक्टफुल पर्सन जो है वो सिग्निफाई हो सके, एक अच्छा टीम प्लेयर सिग्निफाई हो सके। जैसे आप अगर अपनी स्कूल कॉलेज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, आपने अपने मार्क्स ग्रेड्स के बारे में बताया, किस ग्रुप से आपने क्लियर किया, क्या मेजर सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा सा सटल अंदाज में बोल के गुजरोगे, लेकिन फिर आपने वो कॉम्पिटिशन या इस तरह की कोई चीज जिसमें आपने पार्ट लिया आपने वो जरूर बताया, कोई प्रोजेक्ट आपने किया है किसी भी चीज के अंदर आपने पार्ट लिया है वो आपने जरूर बताना, वो एम्फसाइज करता है कि नहीं यार इससे थोड़ा सा एक्सपोजर है, ये जो है वो लोगों के साथ काम किया है, इसने इसको पता है किस तरीके से टीम्स के साथ काम किया जाता है, सबका बर्दाश्त एटीट्यूड ये वाली सारी चीजें नजर आती है। तो आपने अपने बारे में वो चीज बतानी है जो आपका ट्रू सेंस में इम्पैक्ट बता सके, ट्रू सेंस में आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सके। ये नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम कि आप जो है वो वाली बातें बताएं जिसमें शायद इंटरव्यू को कोई लेट्स से इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आप अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स बताना शुरू कर दें या कोई ऐसी हैबिट बताना शुरू कर दें जिसका एज सच कोई इतना ताल्लुक नहीं, तो सिर्फ अपनी हैबिट्स भी बतानी है या अपनी हॉबीज भी बतानी है, तो ऐसी बतानी है जो थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे और उससे नजर आए कि हाँ ठीक है प्रोफेशनलिज्म की तरफ देखना। किताबें अगर आप नहीं पढ़ते तो आप कोई ना कोई अच्छा कॉन्टेंट देखते होंगे, किसी पॉडकास्ट कोई ऐसी चीज आप बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप कोई काम नहीं करते तो जरूरी नहीं है कि वो आपने वहां पर जो होता है, कोई सवाल उन्होंने पूछा और आप अगर बताना पसता उसका आंसर नहीं जानते तो आप कहते कि आई नॉट नो, गलत जवाब देने से ये थी लैंग्वेज। अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर अगर हम इंग्लिश में नॉट अवेलेबल करें तो, देखिए मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपसे सवाल इंग्लिश में हो रहा है तो कोशिश करें आप इंग्लिश में जवाब, अगर उर्दू में हो रहा है तो कोशिश करें आप उर्दू में जवाब, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ग्रॉस मसला हो जाए और आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि वहां पे इंग्लिश किस तरह बोलनी है, नहीं निकल पा रही, तो फिर आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, आप उर्दू में डिलीवर करते हैं, कोशिश करें चलने की कुछ वर्ड आप इस्तेमाल कर लिए, थोड़ा सा मिक्स क्रिएट कर लिए, लेकिन आप उर्दू में डिलीवर। गलत बोलने से, घबराने से, अपना कॉन्फिडेंस लूज करने से बेहतर है कि थोड़ा सा आप अपने कम्फर्ट जोन में बात, लेकिन हमेशा से रिकमेंडेड यही होता है कि स्पीकर जिस जबान में बात कर रहा हो आपने उसी जबान में बात, ठीक है मैं आज एक मोटिवेशन स्पीकर बन जाऊं और आप बोलूं कि नहीं जी आपने अपनी जबान में ही बात करनी है, वो बंदा गलत है जो आपको जज कर रहा है, ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन जो ये कहेगा वो आपकी पोजीशन में नहीं, आप उस पोजीशन में, आपने इंटरव्यू देने जाना है, आपने उस शख्स के सामने बैठना है और आपने इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, आपसे पूछा जा सकता है इंग्लिश में, आपने इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करना है, उर्दू में पूछा जाता है आपने उर्दू में रिस्पॉन्ड, फिर आपसे अगर कोई करंट अफेयर्स के बारे में, इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में कोई बात पूछी जाती है, कोई सवाल पूछा जाता है, तो जितना मालूम हो अपना बताएं, अगर नहीं पता तो यू कैन टेल कि हाँ मैं इस मामले पर अपडेटेड नहीं, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, वॉर सिचुएशन या कोई इस तरह की कोई और जैसे पैंडेमिक टाइप की कोई चीज, इस तरह की कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो आपने उसका जवाब दें, कोई एक आम की ट्रीटमेंट टेक्निकल सवाल अगर पूछा जा रहा है तो आपने उसके बारे में बताना है, नहीं याद आता, नहीं समझ में आता तो यू कैन एक्सक्यूज बात, फिर अगर वो आपसे कहते हैं कि भाई आप हमसे कोई सवाल पूछे इस तरह का तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई अच्छा सवाल जरूर सोचना चाहिए, लाइक आपने उनसे पूछ लिया कि भाई जो ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं ऑडिट के एनवायरनमेंट में या इंडस्ट्री में या फाइनेंस में, इसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कोप अप कर रही है, या एट द सेम टाइम जो फर्म्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसमें किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड कर रही है, या आप ये पूछ सकते हैं अगर आप इंडस्ट्री में आर्टिकल्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी रोटेशन पॉलिसी वगैरह क्या है, किस तरीके से 3.5 साल आपकी ग्रेड को एक पर्सन डायरेक्टली जो है वो एक्सपीरियंस के अखबार से बेहतर बनाया जाता है, आप पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल कह देना कि जी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल मतलब कहने की एक नॉर्मल इंप्रेशन वाली बात है, लेकिन अगर पूछेंगे तो अच्छा है, हो सकता है आपके साथ वो शख्स या वो इंटरव्यूअर एक अच्छा ताल्लुक क्रिएट कर ले, उसे अच्छा इंप्रेशन देगा, अगर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वो चाहे उसका आंसर देना और बताना चाहे तो आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग आपके इंटरव्यूअर के साथ क्रिएट हो जाए। ये जरूर याद रखिए कि इंटरव्यूअर अगर आपके सामने एक सवाल मतलब आपके सामने मौजूद है और उसने अगर सुबह की हेडलाइंस पढ़ी हुई है, सुबह की न्यूज एक दिन पहले की न्यूज पढ़ी हुई है, तो 70-80% चांस होता है कि उसमें से कोई सवाल आ जाए, एक्सचेंज रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, गवर्नमेंट हो गई, तो जैसे कि मैंने पिछले जब अपनी कॉन्वर्सेशन में बताया आपने इन चीजों को थोड़ा सा अपडेटेड रहने का, थोड़ा सा अपडेट रहने, लेकिन इंटरव्यू में पैनिक नहीं करना, बातचीत हम सालों से कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन हम सालों से दे रहे हैं, सवालों का जवाब हम हमेशा से देते आ रहे हैं, तो हमें आदत है इस काम, हमें अपने आप पर ये बिलीव रखना है कि हमें इस काम की आदत है, हम ये कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इतनी बड़ी मसले वाली की बात नहीं। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना आपका इंटरव्यू का प्रोसेस स्मूथ जाएगा, और कोशिश करें कि जवाब ऐसा दें कि आपके इस जवाब में से दूसरा सवाल निकले और एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड, इट शुड लुक लाइक अ कॉन्वर्सेशन नॉट एन इंक्वायरी, इंक्वायरी और कॉन्वर्सेशन में यही फर्क है, कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा कैजुअल और फ्री हैंड के थ्रू बात की जाती है, आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, इंक्वायरी में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, इट सीम्स लाइक एन इन्वेस्टिगेशन,
अच्छा ये बताया फिर ये बताया फिर ये बताया, तो आपने इंटरव्यू को थोड़ा सा ऐसा करना है कि आपने इंटरव्यू के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करके दी, आपके जवाब इतने रियलिस्टिक और अच्छे होने चाहिए, वो अगला सवाल आपने जवाब से ही पूछे, कोई ऐसी चीज आपने नहीं पूछनी इस तरह की, कोई बात आपने नहीं करनी, तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म से बाहर जाती है इस पूरे एरिया को, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप जहन में रखें और उसी हिसाब से प्रिपेयर करके सोच कर जाएं, तो इंशाल्लाह इंटरव्यू में बेहतरीन कामयाबी आपको जो है वो हासिल। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू, द इंडक्शन प्रोसेस, हाउ टू सेलेक्ट द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हिच यू वांट टू वर्क, और किस तरीके से आपका पूरा टेस्ट प्रिपरेशन और सीवी प्रिपेयर वाला एरिया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज आप पूछना चाहें, इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, जो लोग जानते हैं वो व्हाट्सएप, अगर आप नहीं पहले आप कम्युनिकेशन भी तो आईक्यू के एडमिन डिपार्टमेंट से आप चाहें कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, यहाँ फैकल्टी में किसी से भी चाहें आप अपने सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन गाइडेंस उसके हवाले से मिले, और अगर इन पर्सन आगे कोई मिलना चाहे तो वो उसके लिए भी टाइम स्केड्यूल वगैरह सेट किया जा सकता है वो आपके मिल भी सकते। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबी से नवाजे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।